कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है वो पूरा का पूरा आ चुका है और पूरा पेपर आपका लीक हो चुका है। तो हमने सोचा हम यहाँ पे स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं, जिससे उनके यहाँ पे इंग्लिश के पेपर में पूरे पूरे मार्क्स आ सकें। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर डट के जाना। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने पूरा यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करके जाना, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। और साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स आपको 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। और आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। और चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपका सेक्शन ही आता है रीडिंग। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ग्रीन वैल्यू। ये आपका आता है 5 नंबर का पैसेज। तो इसे आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, ललिता सोफ्ट सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, द सीड ग्री इन टू लिटिल प्लांट्स आफ्टर आ फ्यू डेज। तो इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है पैसेज। तो इसे आपको अच्छे से यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। अब चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा रट के जाना, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भाटी ललिता सो इन हर गार्डन, तो आपका यह था प्लांट्स, बी आता सीड्स, और सी आता ट्रीज, और डी आता ग्रास। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भाटी ललिता सो इन हर गार्डन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सीड्स। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। फिर दूसरा था व्हाट डिड सी नोट अलाउ, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता बर्ड्स नियर प्लांट्स, और बी आता इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, और आपका इसका सी ऑप्शन आता फाइल्स नियर प्लांट्स, और डी आता पेड्स नियर प्लांट्स। तो जो आपके यहाँ पर दिया व्हाट डिड सी नोट अलाउ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने टिक भी कर दिया। और तीसरा था व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट, तो आपका यह था वाटर, बी था कॉम्पोस्ट, और सी था बीड्स, और डी था फ्लोवर्स। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉम्पोस्ट। फिर चौथा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, तो आपको यहाँ पर टिनी का सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, स्मॉल। आपका पाँचवा था भाई वर द सिस्टर हैप्पी, तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, ठीक है। 5 में का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन था 5 नंबर का पैसेज, वो हमने करा दिया और आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता, जो कि फिर से आपका आता 5 नंबर का पैसेज। तो इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर पैसेज दिया है, तो पूरा अच्छे से आपको यहाँ पर रीड कर लेना है, ए टू जेड अच्छे से आपको पूरी लाइन यहाँ पर रीड कर लेनी है। आपका आता पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, लैंडफॉर्म इज लद्दाख, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता हॉट डेजर्ट, और बी आता कोल्ड डेजर्ट, और सी आता ड्राई डेजर्ट, और डी आता हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। तो आप यहाँ पर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज लद्दाख, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट। फिर आपका दूसरा था हुबाज चेवांग नॉर्फेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, आ ठीक है, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। तो आपके यहाँ पर दूसरे का डी करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा था लद्दाख इज एट एन, आप यहाँ पर देख लीजिए, एल्टीट्यूड ऑफ डोंट मैटर्स अबव सी लेवल, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, 3000 से 3500, ठीक है। तीसरे का आपका रहेगा सी करेक्ट आंसर। फिर चौथा था फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम अस अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका बी हो जाएगा, डी साइड। फिर आपका पाँचवा आता है, तो पाँचवा आप क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल द अबव। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कम्प्लीट हो जाता है। अब आती है आपकी सेक्शन बी राइटिंग, तो इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल भी लिखना है। तो पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, और आपको यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले आपको एक हेडिंग ले लेनी है, जैसे आपने एक क्रोडिंग एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने, और तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने, और सब कुछ आपको यहाँ पर पैसेज में से ही लिखना है। और टाइटल में क्या लिखना है, जो भी शब्द आपको बार बार देखने को मिले तो वही
ठीक है, जो भी शब्द आपको यहाँ पर पैसेज में बार बार देखने को मिले तो वही उसका टाइटल रहता है। जो इसका आंसर वो हम बता देंगे, हमने आपको समझा दिया किस तरह से आपको नोट्स और टाइटल लिखना है। अब क्वेश्चन चौथा आता, यू आर निशी कबरा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है, तो इसका जो आंसर है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इरा इसका आंसर, ठीक है, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन है। जो नाम जो आपके यहाँ पर नेम पेपर में दिए गए वही नेम आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में भी लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से लेकर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपकी एप्लीकेशन हो जाती है, और इसका जो अथवा आता है तो इसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। तो हमने आपको एप्लीकेशन बता दी है, तो आपको यहाँ पर लेटर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर अथवा में दिया गया तो एक करना है। फिर क्वेश्चन पाँचवा आता, राइट एन एसी ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आप यहाँ पर इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस और साथ ही इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, माय हॉबी, इस पर आपको यहाँ पर लिखना है निबंध, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया जाए इन इंडियन फेस्टिवल, ठीक है, इन इंडियन फेस्टिवल, इस पर आपको जो निबंध है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इन इंडियन फेस्टिवल पर, ठीक है, यहाँ पर निबंध यानी ऐसे। तो ये आपके यहाँ पर इंट्रोडक्शन, फिर आप यहाँ पर दूसरी हेडिंग आती है आपकी, और तीसरी हेडिंग आती है सेलिब्रेशन, और चौथी हेडिंग आप यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवीं, छःवीं, सातवीं, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो इन इंडियन फेस्टिवल पर है जो ऐसे वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन छः, जो कि आपकी आती है यहाँ पिक्चर। तो इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और साथ ही आपको पैराग्राफ किस तरह लिखना है वो हम बता देंगे। उससे पहले सेक्शन सी ग्रामर आती है वो कम्प्लीट कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट ग्रामर नहीं बनती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन सात आता, फिल इन द ब्लैंक चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी फाइव। तो आपको पाँच करने हैं। तो चलिए, आपका पहला आता द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो पहले में आपका यहाँ पर द आ जाएगा। दूसरा आता आई डिडेंट बाय एनी मैंगो, तो इसमें आपका आ जाएगा एनी। और तीसरा आता ही इज एन इंजीनियर, तो इसमें आपका आ जाएगा एन। फैन चौथा आता बी डोंट डोंट टू वॉच द मूवी स्टारडे, तो इसमें आपका आ जाएगा बी बेंट टू वॉच द मूवी स्टारडे, तो आपका इसमें बेंट आ जाएगा। और पाँचवा आता देर इज नॉट मच वाटर इन द पूल, तो इसमें आपका आ जाएगा मच। और छठवां आता दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें आपका आ जाएगा हैव। तो इस तरह से आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कम्प्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्ट एनी फाइव, आपको पाँच करने हैं। तो आपका आता है एरोप्लेन कैन गिव मी यू, तो इसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, कैन यू गिव मी एरोप्लेन, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, इसमें ठीक है आपको यहाँ पर बट का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर देखते हैं ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ये रहेगा आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, आपको इसको चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर रहेगा अंकित प्लेस हॉकी, ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता रोहन स्पीक्स इंग्लिश, तो इसे आपको यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो चौथे का आंसर रहेगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता दे बाल्किड इन द डार्क चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसको आपको चेंज करना है। तो पाँचवें का आंसर रहेगा दे वर बाल्किंग इन द डार, ये आपका रहेगा पाँचवें का आंसर। और जो आपका छठवां, तो छठवें का आंसर वो खुद कर लेना, क्योंकि आपको पाँच करने थे, तो पाँच के आंसर हमने करा दिए। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देते हैं, ठीक है, दूसरे का आंसर, तीसरे, चौथे, पहले तो आप इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन डी आती है, जिसमें आपको क्वेश्चन नौ आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका चैन मार्क रहेगा। तो पहला आता वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इन ही हाउस। फिर दूसरा था वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ वी आर, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, स्ट्रॉन्ग। फिर तीसरा था व्हाट डिड द ग्रैंडमदर गिफ्ट टू केजिया वेन शी वाज सॉबिंग, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, अ क्लीन हैंकी। चौथा आता हुई द ऑथर ऑफ द लेसन माय चाइल्डहुड, जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके इसका ऑप्शन आते हैं ए पी जे अब्दुल कलाम, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए रहने वाला है, ए पी जे अब्दुल कलाम। अब आपका दसवां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका दसवीं का ए आता है, जो कि आता है पैसेज, तो इसे आपको अच्छे से रीड कर लेना है, जो कि तीन नंबर का रहने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है एट वाट
एज डेज बिस्मिल्लाह कंपनी या अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 8/14। और फिर दूसरा था फैन डेड फयाज खान पेरिस बिस्मिल्लाह खान, तो इसका आंसर आपको बी जाएगा एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल। फिर आपका था तीसरा बिच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सेनाई। तो इस तरह से आपका यहाँ पर दसवें का एक कंप्लीट हो जाता है। अब दसवें का आपका बी आता है जो कि आती है पोयम तीन नंबर की, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना है। अब पहला क्वेश्चन था भाट डज एलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। फिर दूसरा था भाई बात द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका रहेगा बी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा था फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइंस हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा द रोड नॉट टेकन। तो इस तरह से आपका दसवीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब ग्यारहवा क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपको छः क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन था भाट इज अ टेल बुक, फिर आपका दूसरा था वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, ठीक है आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन आता है हु वर द पीपल इन के जी एफ फैमिली, फिर चौथा क्वेश्चन आता है पाँचवा क्वेश्चन था भैरबाज अब्दुल कलाम हाउस, और छठवां क्वेश्चन था हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट बैग्स, और सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर बारहवा क्वेश्चन आता है, इसमें आपके तीन क्वेश्चन दिए हैं तो आपको दो क्वेश्चन करने हैं। चौदहवें क्वेश्चन में भी आपको दो क्वेश्चन करने हैं, तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। और चौदहवा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको एक ही करना है। और पंद्रह क्वेश्चन आपको यहाँ पर राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम रेन ऑन द रूफ, पर आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया लिखनी है। इसका तो अभी आप कर सकते हैं, आपसे सेंटर आइडिया नहीं बनती है। और सोलहवा क्वेश्चन देख लीजिए, तो इस तरह से आपके यहाँ पर इंग्लिश का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और साथ ही जो इन जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।